दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए एंड्रॉइड बडी को और बेल आइकन को दबाए सबसे पहले अपडेट्स पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, एंड्रॉइड बडी में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले सैमसंग का एक न्यूली लॉन्च स्मार्टफोन जो है सैमसंग गैलेक्सी ऑन 8 मैक्स। सैमसंग ने इस फोन को फ्लिपकार्ट लॉन्च कर दिया है और आप चाहे तो इसको 10 तारीख से खरीद सकते हैं। 10 जुलाई से इसका सेल चालू होगा और तब जाके आप इसको फ्लिपकार्ट से खरीद सकते हैं। आज हम लोग इसी फ़ोन के बारे में बात करेंगे, इस फ़ोन में आपको क्या कुछ फीचर्स मिलेंगे, इसके स्पेक्स क्या है और क्या आपको ये फ़ोन ख़रीदना चाहिए, और इस फ़ोन का मैं आप लोगों को एक ऑलमोस्ट रिव्यू देने वाला हूँ। तो इस रिव्यू को जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखते रहिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों शुरू करते हैं इस फोन के स्पेक्स के बारे में। स्पेक्स अगर देखेंगे तो यहाँ पे आपको मिलता है मीडियाटेक का हेलियो P25 प्रोसेसर, साथ में माली का T880 GPU मिलेगा आपको। उसके साथ आपको मिल जा रहा है 4GB की रैम, 32GB की इंटरनल स्टोरेज और उसके साथ आपको मिलेगा 5.7 इंच का फुल HD डिस्प्ले। दोनों कैमरा आपको 13 MP का मिल रहा है, रियर में भी 13 और फ्रंट पे भी 13 MP का कैमरा आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। फ्रंट पे आपको एक LED फ्लैश मिल जाएगा जिसकी मदद से आप अंधेरे में भी सेल्फीज क्लिक कर पाएंगे। फ्रंट पे जो कैमरा है उसका जो अपर्चर है वो है 1.9 और रियर में जो कैमरा है उसमें आपको मिल जाएगा 1.7 का अपर्चर, और इसके वजह से आप बहुत सारा लो लाइट फोटोज़ भी कैप्चर कर पाएंगे और लो लाइट में आपका फोटो जो है वो थोड़ा अच्छा आएगा। सैमसंग गैलेक्सी A8 में भी जो कैमरा दिया गया उसका भी अपर्चर है 1.7, तो ऑलमोस्ट सिमिलर काइंड ऑफ पिक्चर्स मिलेंगे। A8 जैसा तो पिक्चर नहीं, लेकिन उस तरह का थोड़ा बहुत पिक्चर आपको खींचने को देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों ये तो हो गया इस फ़ोन के स्पेक्स, अभी बात कर लेते हैं रिव्यू के बारे में। मैं इस फ़ोन का रिव्यू कैसे दे रहा हूँ वो भी फ़ोन के लॉन्च से पहले, जबकि फ़ोन का रिव्यू यूनिट भी मेरे पास नहीं है। सैमसंग ने कुछ दिन पहले ही एक और फ़ोन लॉन्च किया था ऑफलाइन मार्केट में जिसका नाम है सैमसंग गैलेक्सी J7 मैक्स। अगर आप मेरे चैनल को फॉलो करते तो आपको ज़रूर पता होगा मैंने कुछ दिन पहले ही इस फ़ोन का रिव्यू किया है, और दोनों फ़ोन्स को अगर आप देखेंगे तो दोनों ही फ़ोन्स बिल्कुल अलग नहीं है। दोनों फ़ोन्स में सिर्फ डिफरेंस इतना है कि एक फ़ोन ऑफलाइन में आपको मिलेगा और दूसरा फ़ोन आपको ऑनलाइन में मिलेगा, और एक माइनर डिफरेंस है जो है प्रोसेसर में। सैमसंग गैलेक्सी J7 मैक्स में आपको मिलेगा हीलियो का P20 प्रोसेसर, जबकि आपको ऑन 8 मैक्स में मिलेगा हीलियो का P25 प्रोसेसर। तो इतना ही बस डिफरेंस है, बाकी सारे जो स्पेक्स हैं बिल्कुल सेम है। तो दोनों ही फ़ोन्स का फीचर्स, स्पेक्स और परफॉर्मेंस बिल्कुल सेम होने वाला है, कोई भी डिफरेंस नहीं है। और ये जो प्रोसेसर का डिफरेंस है P25 और P20 प्रोसेसर, दोनों में उतना कुछ डिफरेंस नहीं है, दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर प्रोसेसर है, तो परफॉर्मेंस में भी उतना कुछ डिफरेंस नहीं होगा। दोस्तों अगर लॉन्च होने से पहले ही आप इस फ़ोन का रिव्यू देखना चाहते तो आप जाके मेरे सैमसंग गैलेक्सी J7 मैक्स का रिव्यू देख लीजिए, मैं ऊपर में यहाँ पे कार्ड में डाल दूंगा, आप चाहे तो वहाँ से सारे वीडियोज़ चेक कर सकते हैं। और ये जो ऑन 8 मैक्स होने वाला है ये बिल्कुल सेम होने वाला है, बिल्कुल कोई डिफरेंस नहीं है दोनों फ़ोन्स में। और दोस्तों एक और ऑफर के बारे में आप लोगों को बता दूं पहले मैं आपको, अगर आप ऑन 8 मैक्स खरीदने की सोच रहे हैं तो लॉन्च डेट पर अगर आप खरीदेंगे तो आपको एक 2000 रुपीज़ का डिस्काउंट मिलेगा, लेकिन उसके लिए आपको चाहिए होगा एक स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक अकाउंट का क्रेडिट और डेबिट कार्ड। अगर आपके पास क्रेडिट और डेबिट कार्ड है स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक का तो आपको 2000 रुपीज़ का डिस्काउंट मिल जाएगा और आप इस फ़ोन को खरीद पाएंगे 14,900 रुपीज़ में, जबकि आपका इसका ओरिजिनल प्राइस जो है यह है 16,900 रुपीज़। J7 मैक्स का ही प्राइस ऑफलाइन स्टोर्स में 16,999 था, यानी कि 17,000 रुपीज़। दोनों ही फ़ोन्स ऑलमोस्ट सिमिलर प्राइस में लॉन्च हुआ है, दोनों ही फ़ोन्स में सिमिलर स्पेक्स है, कोई भी चेंजेस नहीं है, सिर्फ दोनों का नाम चेंज कर दिया गया है। लास्ट टाइम भी सैमसंग ने ऐसा ही किया था J7 2016 और J7 प्राइम के साथ। J7 2016 को सैमसंग ने लॉन्च किया था ऑनलाइन में ऑन 8 नाम से, सिर्फ दोनों चेंज किया था, एक फुल HD डिस्प्ले और 3GB रैम दिया था। और J7 प्राइम को सैमसंग ने लॉन्च किया था ऑन नेक्स्ट के नाम से। सैमसंग ने इस बार भी वही किया है, J7 मैक्स को ऑन 8 मैक्स करके लॉन्च कर दिया है। तो दोस्तों अगर आप ऑन 8 मैक्स के बारे में कोई भी डिटेल्स जानना चाहते हैं या फिर ऑन 8 मैक्स का रिव्यू या फिर ऑन 8 मैक्स का परफॉर्मेंस जानना चाहते हैं तो आप मेरे J7 मैक्स का सारे रिव्यूज़ चेक कीजिए। मैं ये बार बार क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि दोनों फ़ोन्स में बिल्कुल भी कोई डिफरेंस नहीं है। अगर आप साइड बाय साइड कंपेयर भी करके देखेंगे तो मैं 100% गारंटी दे सकता हूँ दोनों फ़ोन में आपको सिंगल डिफरेंस भी देखने को नहीं मिलेगा। तो दोस्तों ये था सैमसंग गैलेक्सी ऑन 8 मैक्स का एक छोटा सा इन्फॉर्मेशनल वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए दोस्तों और अपने दोस्तों से शेयर कीजिए।
अगर आप और भी ऐसे वीडियो देखना चाहते हैं दोस्तों, जरूर सब्सक्राइब कीजिए एंड्रॉइड बडी को। अगले वीडियो में आप लोगों से फिर से मुलाकात होगा, तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों, और आपका दिन शुभ हो।